वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वेदांता स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वेदांता स्टॉक आज यहाँ पे आप देख रहे 313.90 पे ट्रेडिंग कर रहा है। 3.65 पैसे अब 1% की तेजी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या वेदांता के लिए। तो वेदांता डिविडेंड डेट यहाँ पे देखा जाए तो देख से देखिए वेदांता की जो यहाँ पे डेट थी, एक्स डिविडेंड डेट थी, और यहाँ पे उस दिन गिरावट के बाद फिर से एक हल्की हल्की तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। बाकी कोई खास डेट नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है वेदांता के लिए। तो देख सकते कि आज ओपन हुआ था फ्लैट प्रीवियस क्लोजिंग जो थी उसी के साथ ओपन हुआ था और उसी का सपोर्ट लेके एक अच्छी तेजी से मॉर्निंग में देखने को मिले। 310 लेवल पे एक इम्पोर्टेंट है, उसी का सपोर्ट लेके एक अच्छी बाउंस बैक हुआ। पर ऊपर 315 लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल है उसी लेवल पे देख सकते काफी दिन समय रेजिस्टेंस लिया है आज के दिन में वेदांता ने। मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ की है, पी रेशियो 7 का अच्छा है, डिविडेंड यील्ड 25% से ज्यादा। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे गिरावट के बाद फिर से तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। ये जो गिरावट हो चुकी थी वो एक डिविडेंड डेट के दिन गिरावट हो चुकी थी। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम टोटली 1 करोड़ 34 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 42,242 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। मीन्स टोटली बाइंग के लिए 10 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 30 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। मीन्स बाइंग क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा सेलिंग के लिए क्वांटिटी पेंडिंग है। तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 1 करोड़ 22 लाख, उसमें से 58 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स कुल मिला के 47%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते स्टॉक में पिछले 4 दिनों से एक अच्छी मूवमेंट बैंक साइड में धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 320 तक जाता है तो वहीं पे भी रेजिस्टेंस लग सकता है 320 पे। तो ये लेटेस्ट अपडेट वेदांता के लिए।